पब्लिक है, सब जानती है ये पब्लिक है। मेरी लाइफ की हिस्ट्री में कहते मेरे को फख्र हो रहा है शाहरुख खान की फैन मान ही नहीं रहे थे। और शाहरुख की अगली फिल्म किंग के पोस्टर पर मनोज देसाई का शानदार रिएक्शन सामने आया है। मनोज देसाई इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि शाहरुख खान बहुत बड़े लेवल की एक्शन फिल्म बना रहे हैं और किंग खान का रोल इस फिल्म के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। यानी जिस चीज की वजह से शाहरुख सुपरस्टार बने वो फिर से वही करने जा रहे हैं। शाहरुख खान को पता है कि कौन सी फिल्में अब हजार करोड़ करेगी, इसलिए अब डंकी के बाद शाहरुख एक्शन फिल्मों में ही काम करने वाले हैं माना। लेकिन दोस्तों, अगर ये फिल्म बनेगी तो 2000 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करेगी। दूसरी तरफ शाहरुख लोकेश कनगराज के साथ भी फिल्म बनाने वाले हैं। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान कहते हैं कि वो इस बार बहुत बड़ी फिल्म लेकर आ रहे हैं जो सबके होश उड़ा देगी। और अब इसके बाद वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में लग गए हैं। फिलहाल की अपडेट के मुताबिक किंग खान इस बात से बेहद खुश हैं कि उनका साल कैसा गुजरा, क्योंकि उनकी मेहनत अच्छी रही और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही हैं। खबरों की माने तो शाहरुख खान साल 2024 के अगले महीने में 3 फिल्मों की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। उन्होंने कहा, इंडस्ट्री में हर कोई उनके अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन SRK किसी भी फिल्म को चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। वही आपकी जानकारी के लिए बता दे कि शाहरुख किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने वाले हैं और उनकी आने वाले समय में काफी एक्शन फिल्में देखने को मिलेगी। शाहरुख हमेशा अपनी ऑडियंस के लिए कुछ नया लेकर आते हैं और इस बार भी वो बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। अगर YRF अपनी धूम फिल्म को बताएंगे तो उसके अंदर शाहरुख को लेंगे और वही साउथ के कुछ बड़े डायरेक्टर भी शाहरुख खान के साथ काम करने वाले हैं।